नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिशल। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी परमजीत सिंह पम्मा ने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का एक मामला सामने लाया है और वो मामला बड़ा गंभीर मामला है। उन्होंने ये पुष्टि की है कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में काफी घोटाले जो है वो चल रहे हैं और उनका ये कहना है इन घोटालों में TSO, स्टोर कीपर, AD फूड जो है वो सब इन्वॉल्व है। बड़े अधिकारी से लेकर छोटा अधिकारी भी जो है इसमें शामिल है इस घोटाले के अंदर। और मैं आपको ये बता दूं कि गरीबों से जुड़ा ये मामला है, गरीबों का राशन है। 22 ट्रक जो है, परमजीत सिंह पम्मा का कहना है 22 ट्रक राशन के जो गरीब लोगों के लिए आते हैं वो गायब है, इसकी जो है वो इंक्वायरी चल रही है। वहीं जब परमजीत सिंह पम्मा जी ने हमें बताया कि मेरी डायरेक्टर मैडम से बात हुई है, तो आइए आपको सुनाते हैं डायरेक्टर मैडम ने परमजीत पम्मा जी से क्या कन्वर्सेशन की है, क्या बातचीत की है। इन लोगों ने जो इकट्ठे तीनों ने मिलकर जो माल खाया है या लूटा है या एक्सेस माल इन्होंने अपने परमिट काटे थे, तो वो माल शॉर्ट है, वो शॉर्ट है। 2 महीने से इंक्वायरी चल रही है, सेम स्टेटस है। वहीं पे गगनदीप अभी भी स्टोर कीपर है, तो सुदेश कुमार अभी भी सांबा में है। तो आप वो तो आप मुझे मालूम है कि वो मैंने ही इंक्वायरी कंडक्ट करवाई थी, किसी और ने नहीं करवाई। जी जी, बट वो ऐसा नहीं है कि अभी से है, ये उस पर इंक्वायरी चल रही है और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पर गगनदीप तो वहाँ रहता नहीं है स्टोर में। मैम गगनदीप ही है वहाँ पे, अभी भी स्टोर कीपर वहाँ पे है। नहीं नहीं, गगनदीप नहीं है। नहीं नहीं मैम, वहीं पे है। आपको अगर कोई मिसगाइड कर रहा है तो आप कभी भी आए, कल भी गगनदीप था या रोज होता है। मैं एक वैसा हुआ होगा, पर वो नहीं करता है। नहीं मैम, वही करता है। मैडम आपने अगर ऑर्डर किसी उसका किया है, क्या नाम है उसका, दीपक शर्मा का, क्या नाम, वो TSO का, तो वो बताना चाहिए ना आपने AD को। नहीं सर, मैम बताना चाहिए ना AD को। मैं तो करूंगी, मैंने तो उसको हटाया है वहां से। पर अगर कुछ ऐसा है तो वाई दीपक अलाओ किसी को काम करने के लिए। मैडम देखो, ये 2 साल के लिए, आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, पुराना है, बहुत लोग आ जाएंगे, उनके ऊपर प्रोसीडिंग होगी। हमारे AD के मुझे पता है ना वहाँ कितना गलत है, तभी मैंने एक्शन। मैडम इनको इनको तो आपने अटैच करना था, जो इनको सस्पेंड करना, पता चलता पब्लिकली इन्होंने ये काम किया है तो एक्शन हुआ है। सर इंक्वायरी का एक तरीका होता है, उसको नोटिस दिया जाता है, उसको बुलाया जाता है, उसको पूछा जाता है। कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस जॉइंट डायरेक्टर को क्यों नहीं नोटिस है। वो हमारे दफ्तर में 5 बार आए, मेरे पास ये मैंने खुद किया, मुझे किसी ने कंप्लेंट नहीं किया था। आई टुक एन इनिशिएटिव, किसी एक वजह से मैंने देखा उसको, हम कर रहे हैं ये अभी 2 साल या 3 साल से नहीं, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर पीरियड से हमने उठाया, हमें उसमें पूरा उस दौरान कहाँ आया कितना आया वो पूरा हमने ऑब्जर्व किया है। उसके बाद सर इसमें बड़ा टाइम लगता है, किस किस रेट पे किसने खरीदा, कितने पे बेचा, बहुत कैलकुलेशन होती है। इट इज नॉट दैट इजी, जो आप टेक्स टाइम, ठीक है, एक एक चीज का रिकॉर्ड, 3 साल पूरे 365 दिन इतने लोगों का जो होता है वो हम पूरा एक्शन ले रहे हैं। हम उसमें यही नहीं है, काफी डीलर भी आएंगे, डीलर भी फिक्स होंगे। हमें ये एक छोटे से लेवल पे नहीं करना है, हमको सारे एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। 1000 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक ही खाली रजिस्टर नहीं होता, इश्यू रजिस्टर, कितना आया कितना गया, किस कैटेगरी का आया, किस कैटेगरी में कौन सा कॉमोडिटी आया, ऐसे ऐसे इंक्वायरी होती है जिसका कोई फायदा होता है। वरना ऊपर ऊपर से खाशश करना हो वो तो आधे 1 घंटे में 2 दिन में हो जाए। हमको कंप्लीट इंक्वायरी करनी होती है और हमें लोगों को, हमने अभी किसी अफसर को लगाना था, हमने अभी कोई 38 लाख की पेनल्टी भी डाल दी किसी और डिस्ट्रिक्ट के अफसर को। टाइम लगता है, हम काम करते हैं उसके। ठीक है मैडम, आप इंक्वायरी कर रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन 3 महीने से तो वो सेम स्टेटस है, वो स्टील को स्टोर कीपर है, एक सांबा में बैठा हुआ सुदेश। आपने मेरी नॉलेज में लाया कि वो वहाँ पे है, मैं पता कर लूंगी। मैडम आप अपने सोर्सेज भेजिए, वहाँ पे बैठा होता है वो वहाँ पे बैठा होता है। अब कौन है सोर्सेज, वो गगनदीप वहीं पे बैठता है, वही परमिट जो काटते हैं TSO वही माल देता है वहाँ पे। तो आपने सुना कि डायरेक्टर मैडम की और परमजीत सिंह पम्मा जी की क्या बात हुई है, और डायरेक्टर मैडम ने ये बताया है कि जो गगनदीप स्टोर कीपर है मैंने उसको वहां से निकाल दिया है और उसकी जगह जो है दीपक शर्मा को वहां पे लगाया है। आप देख सकते हैं इस खबर की जब पुष्टि करने अलर्ट इंडिया न्यूज की टीम स्टोर में गई तो हमने वहां पे देखा कि गगनदीप ही वहां पे जो है वो काम कर रहा था
और पिछले 4 महीने से जो है वो वहीं पे है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि किस तरह से डायरेक्टर मैडम के ऑर्डर की जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, डायरेक्टर मैडम की जो है ऑर्डर की वायलेशन की जा रही है। वही जब हमने दीपक शर्मा से बात की तो उनसे हमने पूछा कि आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि हाँ मैं एक दो दिनों में जो है वो ज्वाइन कर लूंगा और मेरा ऑर्डर जो है मैडम ने पिछले 4 महीने से किया हुआ है। अच्छा मी एक गल दस्यो, तुसीं ओ डायरेक्टर मैडम ने तुहाडा ऑर्डर कटे कीता है स्टोर कीपर दा? हाँ जी। तो तुसीं ज्वाइन क्यों नहीं करा रहे? जनाब ज्वाइन इस महीने मैं कर लेना सी। ते ऑर्डर कदों दा कटे दा मैडम ने? ऑर्डर ये तो 4 महीने। तो हमारा ये कहना है कि अगर डायरेक्टर मैडम के ऑर्डर की इस तरह से वायलेशन जो है ये टीएसओ कर रहे हैं तो बड़ा अफसोस है कि बड़े अधिकारियों की छोटे अधिकारी नहीं मान रहे, इसमें कुछ गड़बड़ है और दाल में कुछ काला जो है वो हमें लग रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी परमजीत सिंह पम्मा जी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने इस सारे स्कैम का क्या वर्णन किया, आइए आपको हम अपनी न्यूज में जो है वो दिखाते हैं और आपको सुनाते हैं कि ये सारा मामला क्या है। देखो जैसा कि बीजेपी सरकार बोलती है कि करप्शन फ्री सरकार, मैं कहता हूँ करप्ट सरकार है, करप्ट इनके जो ब्यूरोक्रेट्स इन्होंने लगाए वो करप्ट हैं, जितने भी इन्होंने यहाँ के जिस भी डिपार्टमेंट के लोग हैं सबके सब करप्ट है। मेरी कुछ दिन पहले मुझे पता चला था कि 2-3 महीने पहले कि जो FCNCA फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, उसमें यहाँ से कठुआ की बात करता हूँ कि कठुआ तहसील के बाई ट्रक जो हैं बाई ट्रक गायब हैं, फूड एंड सप्लाई के बाई ट्रक का राशन जो वो गायब है, गरीबों का राशन। ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल था जो मैंने जब मुझे पता चला तो मैंने डायरेक्टर मैडम को फ़ोन किया, उसके बारे में पूछा, वो खुद अपने मान रही है इस बात को, ये कोई छोटा स्कैंडल नहीं है, ये 5 साल से बहुत बड़ा स्कैंडल है, मैं इसकी इंक्वायरी कर रही हूँ। जब मैं उनको ये नहीं चाह रहा कह रहा कि 5 साल का किसने ये खाया, जो कठुआ की टीम है जो इनके मुलाजिम है, चाहे वो स्टोर कीपर है, TSO यहाँ का जो AD था पहले, उसने करप्शन यहाँ पे की है, 5-4 साल ये यहाँ पे रहा और यहाँ से भाई ट्रक गायब है। हम पब्लिकली एज ए ओपोजिशन पूछना चाहते हैं, मैडम की आप रिकॉर्डिंग देख लें, आप ये चलाएं, कि वो कहती है मैडम कि मैंने जो ये इंक्वायरी चल रही है हमने वो बुलाए थे, लेकिन स्टोर कीपर वहां से मैंने चेंज किया हुआ है गगनदीप, लेकिन वहां पे गगनदीप ही है, लेकिन मैडम डायरेक्टर बोल रही है। देखो कितना बड़ा स्कैंडल है, मैडम खुद इनको बचाने के लिए डायरेक्टर मैडम लगी है। वहां पे TSO जो है दीपक शर्मा, उसका ऑर्डर हुआ है एज ए स्टोर कीपर, 4 महीने का उसका ऑर्डर हुआ है, लेकिन आज तक उसने ज्वाइन नहीं किया। इसका मतलब ये मिली भगत है जो इनको बचाने में लगी है, पूरा 22 ट्रक जो हम चाहते हैं उसको जो है पब्लिकली बताना चाहिए कि वो कहाँ पे 22 ट्रक जो माल है वो कम से कम 1-1.5-2 करोड़ के करीब करीब ये माल है, जो 2 करोड़ का माल इन्होंने लूटा है वो पब्लिकली सामने आना चाहिए, डायरेक्टर मैडम को इसका जवाब देना चाहिए। और अगर डायरेक्टर मैडम इसका जवाब नहीं देती तो आने वाले दिनों में हम जो कंसर्निंग जो इसकी एजेंसियां हैं, चाहे वो विजिलेंस है चाहे वो क्राइम ब्रांच है, हम वहां पे भी जाके ये एप्लीकेशन देंगे, रिकॉर्ड वहां से भी उठाया जाए यहां से भी उठाया जाए। और मेरी DC कठुआ से ये रिक्वेस्ट है कि कहते हैं ना एक कहावत है, दिए थले अंधेरा, वो ऊपर बैठे हैं, नीचे फूड एंड सप्लाई का AD बैठा हुआ है, 22 ट्रक उन्होंने गैप कर दिए हैं कि DC को पता ही नहीं। ये हाल है कि जबकि जो जॉइंट डायरेक्टर है उसके पास इतनी पावर नहीं, अगर वो रिकॉर्ड उठाता है DC से कंटेक्ट करता, DC वहां पे अपना तहसीलदार भेजता, तहसील का वो उठाता, इनकी इंक्वायरी की जाती, लेकिन मुझे लगता है सब मिली भगत है, कोई नहीं यहाँ पे लेना। लेकिन ओपोजिशन के नाते मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी जो कहते हैं कि करप्शन फ्री सरकार, मैं करप्ट सरकार, इसका जवाब जनता जाती है, हमारी जनता जो गरीब जनता का राशन लूटा हो, मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि इसका इंसाफ हो और बताया जाए पब्लिक को, लोग ये बाई ट्रक गए तो गए कहाँ। अच्छा ये जो आपने हमें ऑडियो दिया है ये आपकी किससे बात हो रही है? ये मैडम है इनकी रिफात कोहली जो इनकी डायरेक्टर है फूड एंड सप्लाई की, इनसे मेरी बात हुई थी जहां मुझे पता है, इन्होंने माना है कि यहाँ पे गबला हुआ है, ये माना इन्होंने कि बहुत बड़ा गबला है, ये मैं कंडक्ट कर रही हूँ, ये रिकॉर्ड उठा के लगे इनका जॉइंट डायरेक्टर। और मैं बता देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में वो जो इनका शोक, मेरे ख्याल में शोक कुमार है ये उनके जॉइंट डायरेक्टर, वो विजयपुर से बिलोंग करते हैं, वो जितने भी TSO डिस्ट्रिक्ट कठुआ में लगे सारे विजयपुर के,
यहाँ पे मैं आपको अरुण जी बता दूं आपके माध्यम से, जब हमारी सरकार थी तो एक TSO होता था, उसके बाद इन्होंने अर्बन और रूरल किए, आज तीन तीन चार चार TSO बैठे हैं, जाके पता कीजिए, तीन इस गली के बाहर वो TSO, उस गली का TSO वो, मतलब कि जिसने कोई स्टैंप लगानी होती है वो कहता है मैं TSO नहीं उसके पास है, वो कहता है नहीं अगले के पास जाओ। मैं इतनी गुंडागर्दी, इतनी करप्शन है कि पोस्टें दो हैं तो लगे तीन हैं। अब इन तीनों में से जाली कौन है, कौन इनका पहले ये पता किया जाए, ये इसका मतलब ये माल चलता है ऊपर चलता है तो TSO जो मर्जी बन के यहां पे आए तो जनता को लूटे, भाई ट्रक गायब कर दे। मैं इनकी जवाबदेही है मैडम की, ये मैडम को ही जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो कंसर्न की जो एजेंसी है वो इसके बारे में पूरा करे। DC साहब को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि आपके नीचे इतना बड़ा घबला हो रहा है तो आपने इसको देखना चाहिए। DC साहब को पता ही नहीं है ये हो क्या रहा है, अब नए ADA बैठे हैं उनको आप देखते हैं वो क्या करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि गरीबों का राशन जो है किस तरह से लूटा जा रहा है, सरकारें जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि इतने 80 करोड़ लोगों को जो है वो राशन पहुंच रहा है, पर कठुआ में ऐसा नहीं है। 22 ट्रक राशन की कोई छोटी बात नहीं है, करोड़ों रुपए का ये घोटाला जो है कठुआ स्टोर से हुआ है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसकी इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए और देखते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद कितनी जल्दी प्रशासन जो है वो हरकत में आता है और किस तरह की कार्रवाई जो है इन लोगों पे की जाती है। और आपको ये भी बता दूं पिछले 4 महीने से जो है ये इंक्वायरी इनिशिएट की जा रही है पर अभी तक जो है इंक्वायरी का रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया। तो आप देख रहे थे अलर्ट इंडिया न्यूज़, मैं हूँ कठुआ से अरुण त्रिशा।